हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल में जिसका नाम है अंसारी S1 क्लब। मैं हूं शहजाद अंसारी, लेकर एक नई एडिटिंग। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां से आप वीडियो के नीचे से लाइक कर सकते हैं, रेड बटन दबा के यहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहां से बेल का सिंबल ऑन कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, फ़ोटो जो है आप जो पिक्सआर्ट में ऑन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये करना है कि आप ड्रॉ में चले जाइए। ड्रॉ में जाने के बाद एक नया फ़ोटो आपको इसमें ऐड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, ठीक है। ये फ़ोटो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। पर ये एक स्टेप में ये सेट नहीं होगा, हमें इसे दो बार से तीन बार स्टेप में इसे सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम रबर ले लेंगे। यहाँ से क्वांटिटी आप कम करके देख सकते हो सेटिंग सही है या नहीं। उसके बाद जो है हम यहाँ से रबर ले लेंगे, और रबर लेने के बाद जो है इस टाइप का रबर लीजिए और यहाँ से इरेज करना शुरू करेंगे। ये साइड से और वो साइड से, दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे। ऊपर का पार्ट भी आप इरेज कर दीजिए क्योंकि इसका सेटिंग सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको जो फ़ोटो ऐड करना है वो आपको इतना ही रखना है, बाकी का हिस्सा इरेज कर देना है। नया फ़ोटो ऐड करेंगे, एम्प्टी लेयर्स लेके यहाँ से एक एम्प्टी लेयर्स लेंगे और नया फ़ोटो ऐड करेंगे। इसके अंदर वही फ़ोटो ऐड करेंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में इसमें ऐड किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर अब जो पार्ट को हमको चाहिए, ऊपर का पार्ट हमें चाहिए, तो हम सिर्फ ऊपर का पार्ट ही क्रॉप करके निकालेंगे इसमें से। बाद में जो अदर पार्ट है उसे हम रबर से इरेज कर देंगे और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको ये करना है कि इतना ऐड करने के बाद आपको जो है इसे ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है हमारा कि आपको ड्रॉ में चले जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर जो है सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से ब्लैक कलर आपको जो है वो ले लेना है यहाँ से, और यहाँ से ब्रश के सिंबल पे ये रबर का साइज़ ले लीजिए ब्रश का, और इसे जूम करके यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। दोनों साइड से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो है जितना भी है हम जो है ब्लैक कलर से हल्का हल्का इस पर ड्रॉ कर देंगे ताकि ये कम्प्लीटली जो है वो रेडी हो जाए। इसके बाद आपको ये करना है कि आप इसे ओके कर लीजिए। इसके बाद के स्टेप में आपको ये करना है कि आप जो है हर बार आपको ड्रॉ में जाना है, इस बार भी आप ड्रॉ में जाएंगे और एक यहाँ से फ़ोटोज़ में से नया फ़ोटो अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें सिर्फ दो ही फ़ोटो का इस्तेमाल किया है हमने। दोनों फ़ोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड फ़ोटो जो है वो आइस लेंस है, PNG साइज़ का आइस लेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है इसे ऐड करते हैं, हम इसकी साइज़ जो है छोटी करते हैं हमारी आइस की साइज़ जितना, जूम करके आप जो है इसे स्मॉल साइज़ कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ करने के बाद ये करिए कि इस फ़ोटो की क्वांटिटी जो है वहाँ यहाँ से कम कर दीजिए ताकि नीचे का इमेज हमें दिख सके। फिर हम जो है इसे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट करेंगे। क्वांटिटी इसकी जो है यहाँ से रबर ले लेंगे, सेकंड रबर, और जो इसे जूम करके जो है इसकी क्वांटिटी फुल कर देंगे और इरेज करना
आइस को शुरू करेंगे ऊपर से और नीचे से, ठीक है। हल्का हल्का इरेज कर दीजिए और इसके बाद इसकी क्वांटिटी जो है कम कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है आइस लेंस बदल सकते हैं। दूसरी बार हम जो है एम्प्टी लेयर्स लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी जो है आप 45 तक रखिए। दूसरी बार वही लेंस का फ़ोटो हम इसमें ऐड करेंगे। आपको वही ट्रिक करना है, इसकी साइज छोटी गई है, यहाँ पर सेट कीजिए आपके आईज पे। यहाँ से क्वांटिटी कम करिए और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन से इसे एडजस्ट करें। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको ये करना है, इसकी क्वांटिटी फुल कर देना है और रबर लेकर जो है वो आपको अदर पार्ट जो है वो आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद जो है इसे कम्प्लीटली आप इरेज कीजिए बराबर से और फिर इसके बाद जो है आपको क्वांटिटी जो है कम कर देना है। इससे आपके दोनों आईज जो है चेंज हो जाएगी। आप एनीथिंग कोई भी लेंस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, कोई भी कलर का, एनीथिंग हर कलर जो है मिलता है गूगल पे। आपको सिर्फ गूगल से डाउनलोड करना है, ठीक है, इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है वो हम आगे का ट्रिक्स जो है टिप और ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले आप जो है यहाँ टूल्स में चले जाइए और स्ट्रिच नाम का ऑप्शन है वो ले लीजिए। स्ट्रिच में दिखे यहाँ सबसे ऊपर जो है यहाँ से ब्रश का साइज़ होता है उसको कम कर दीजिए, ओके कर देते हैं। और अब जो है वो हम हेयर स्टाइल को पकड़कर लार्ज साइज करेंगे, उसे खींचकर हम जो है लंबा करेंगे दोनों साइड से, हर साइड से, ठीक है। हेयर स्टाइल को ध्यान में रख के आपको जो है उसे खींच कर इसे जो हेयर है उसे लंबा करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हेयर, ठीक है। इसके बाद जो है हम ड्रॉ में चले जाएंगे और आप जो है हेयर पे कलर कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है ब्लू कलर ले लीजिए। आप एनीथिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से ब्लू कलर लेने के बाद जो है ब्रश की साइज़ ले लीजिए, सेकंड ब्रश लीजिए और इसे सेट कीजिए और यहाँ पे आप जो है ड्रॉ कीजिए। आप मैंने ब्लू लिया है, एनीथिंग कोई भी कलर आप जो है अपनी हेयर स्टाइल पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्लू जो है वो ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, रेड ले लेते हैं। ब्लू एंड रेड एंड ब्लैक तीन कलर के हेयर स्टाइल हम इस पर सेट करेंगे। ये करने के बाद जो है वो आपको इसकी क्वांटिटी यहाँ से कम कर देनी है, ठीक है। क्वांटिटी कम करने के बाद जो है आपको ओके कर दीजिए इसे। और सबसे लास्ट स्टेप जो है हमारे फ़ोटो का, इफ़ेक्ट में चले जाएंगे और तीसरी इफ़ेक्ट हम इसमें से ले लेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। बाद हम इसके ये करेंगे कि हम जो है ऊपर से यहाँ पर ब्रश के सिंबल में से रबर ले लेंगे और इफ़ेक्ट को जो है वो इरेज करेंगे यहाँ हेयर स्टाइल पे, और नीचे की जो हमने स्टाइल सेट की है उसे खाली इरेज करेंगे। स्किन को आपको इरेज नहीं करना है, सिर्फ हेयर स्टाइल को और उसको इरेज करना है। आप रबर लेके जो इरेज करेंगे तो आपने जो इफ़ेक्ट मारी है वो इफ़ेक्ट जो है सिर्फ इरेज हो जाएगी। तो हमें हेयर स्टाइल पे जो हमने नीचे की दाढ़ी या मूछ जो भी लगाई है उसे और आइस को तीन पार्ट पर हमें सिर्फ रबर जो है इस्तेमाल करना है। ब्रश की साइज़ जो है हम छोटी कर देते हैं और अब आइस पे इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से और इसे ओके कर देते हैं। हमारा फ़ोटो जो है यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली जो है वो तैयार हो गया है। मैं आपको दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी फ़ोटो यूज़ हुए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी एक ख़ास बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। एक लाइक जो है हमें बहुत सपोर्ट करेगा, आपका एक लाइक हमारी वीडियो हिट हो सकती है आपकी एक लाइक से, तो लाइक ज़रूर करें। मैंने आपको और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल में और भी कई अच्छी वीडियो अपलोड की गई है, तो आप हमारे चैनल की वीडियो में जाके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं। आपको बस यही कहना चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर्स को कि आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जो है वो ज़रूर दें। आपका एक लाइक जो हमारे चैनल को हिट बना सकता है, बहुत हेल्प करेगा आपका एक लाइक, तो लाइक ज़रूर करें।
और आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में, सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से बेल का सिंबल ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ शहजाद अंसारी, बाय बाय।